दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी आलू चाट रेसिपी। बिल्कुल हम ठीली स्टाइल बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों सबसे पहले हमें लेना है 5 मीडियम साइज के आलू। इनको हमने बॉईल कर और फिर इसको हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम थोड़े से बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे आलू को कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने सारे आलू के पीस को कट कर लिया है। अब हम रखेंगे इस पर कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आलू और गैस को हमें हाई रखना है। हाई गैस पर आलू करारे करारे बनेंगे और अगर हम लो गैस पर करेंगे तो जो आलू हैं वो सारा ऑयल अब जब कर लेंगे तो हमारे आलू करारे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें गैस को हाई रखना है। हाई गैस पर हम अच्छे से इसको सेक लेंगे। और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते जाएंगे जिससे अच्छे से चारों तरफ फ्राई हो जाए। तो देखिए दोस्तों हमारे आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल और इसमें हम डालेंगे सारे फ्राई किए हुए आलू। और हमने यहाँ पर लिया है सब्जियों में एक कटा हुआ टमाटर, एक कटी हुई प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती कटी हुई। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, कटी हुई प्याज और डालेंगे हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ी सी हम प्याज और टमाटर को बचा लेंगे और धनिया को भी। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की चटनी, 2-3 चम्मच डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी बनकर तैयार है आलू चाट। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो हमने जैसे ठेले वाले देते हैं दोना में, उसी तरह से हम इसको सर्व करेंगे। सारे दोना में हम फिल कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए ऊपर से प्याज और डाल देंगे कटा हुआ टमाटर और हरा धनिया पत्ती। और अगर आपके पास भुजिया सेव है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो दोस्तों हमारी बनकर तैयार है चटपटी चटकारेदार आलू चाट। दोस्तों ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसको घर पर एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो चला हो तो लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।